Good morning students, I am your teacher from Superior Model School in ICRA Academy and this is our online class session of grade 4 Social Studies, unit number 1, the Earth and the Environment and lesson 2, Population. स्टूडेंट पेज नंबर 9 पे इसकी रीडिंग करेंगे दैट के हमने प्रीवियस अपना जो लेक्चर है वो हमने किए हैं लेसन 1 में कॉन्टैक्ट रिव्यू क्वेश्चन आंसर उसके किए गए थे ठीक है सो आई होप दैट कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से वो क्वेश्चन आंसर किए होंगे और याद भी किए होंगे ठीक है सो आज हम रीडिंग करेंगे पॉपुलेशन लेसन 2 की यूनिट नंबर 1 में ठीक है सो इसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पॉपुलेशन यानी आबादी के बारे में पढ़ेंगे आबादी क्या होती है पॉपुलेशन इज अ टोटल नंबर यानी पॉपुलेशन जो है वो ये आबादी का आबादी के बारे में बता रहे हैं कि किसी एरिया में किसी इलाके में या किसी खित्ते के अंदर कितने लोग रहते हैं उसके टोटल नंबर क्या है आबादी कितनी है उसकी ठीक है फिर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में शामिल होगा हमारे माइग्रेशन यानी हिजरत माइग्रेशन किसे कहते हैं या हिजरत किसे कहते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह या किसी काम से या किसी मजबूरी से या फिर ट्रांसफ़र होने से हम उसको क्या कहते हैं माइग्रेशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर वो हम किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करें हम खुद ट्रांसफ़र हो हमारे कोई अजीज़ व अकारब ट्रांसफ़र हो तो उसको हम क्या कहते हैं फ़लाँ ने हिजरत किया है फ़लाँ फ़लाँ लोग यहाँ से इस खत्ते से उस जगह पे गए हैं तो उसको हम कहते हैं हिजरत करना यानी माइग्रेशन थर्ड पढ़ेंगे हम सेंसस ठीक है यानी मरदमशुमारी स्टूडेंट्स मरदमशुमारी किसे कहते हैं मर्द कहते हैं हम किसको तमाम जो इंसान हैं जैसे कि मेल हो गए फीमेल हो गए बच्चे हो गए उसको मर्दम कहते हैं मर्दम शुमारी यानी उसकी शुमारी उसको शुमार करना ठीक है उसके बारे में पढ़ेंगे सो आप अभी आ जाए पेज नंबर 9 पे रीडिंग के लिए ओके स्टूडेंट्स ये जितने एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको की तमाम आती है इस लेसन 2 के अंदर पॉपुलेशन में डेट के द पॉपुलेशन इज अ टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट सॉरी द पीपल लिविंग इन एरिया टाउन सिटी प्रोविंस कंट्री और द वर्ल्ड जैसे कि मैंने अभी बता भी दिए यानी यहाँ पे बुक में बता रहे कि पॉपुलेशन हम उसे कहते हैं जैसे कि टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट जो वहाँ पे किसी शहर में रहते हो किसी गांव में रहते हो किसी सूबे कस्बे में रहते हो या फिर किसी मुल्क में रहते हो या दुनिया के पूरे ममालिक के अंदर पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हो उसको हम कहते हैं आबादी पूरी दुनिया की आबादी पूरी दुनिया की मरदमशुमारी या पूरी मुल्क की या किसी इलाके की ठीक है जैसे कि हम इलेक्शन देखें हमारे इलेक्शन होता है वोटिंग होती है तो उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको कंप्लीट इस बात का पता होता है कि किस इलाके के अंदर कितनी आबादी है कितने वोटर्स हैं कितने टीनएजर्स बच्चे हैं जिसके वोट नहीं है कंप्लीट आबादी जो है उनको पता होता है जैसे मरदमशुमारी होगी जब हम मरदमशुमारी करते हैं तो उसके अंदर में पता चलता है कि बच्चे कितने हैं इनके रोज़गार के इनके पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते कंप्लीट जो है इसकी डिटेल्स उनके पास होती है तो ये तो हो गया पॉपुलेशन अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ माइग्रेशन अब माइग्रेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स माइग्रेशन कहते हैं उर्दू में हिजरत को ठीक है अब हिजरत के एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी मजबूरी के हाथों अपना घर ट्रांसफ़र करना किसी काम से जाना पूरी फैमिली को लेके जाना या ख़ुद जो है एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने को हम हिजरत कहते हैं क्या कहा जाता है इसको हिजरत ठीक है नाउ द मोमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन इट कैन टेक प्लेस विद इन अ कंट्री फ्रॉम अ विलेज टू अ सिटी और बिटवीन सिटीज इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस फ्राम अ कंट्री फ्राम वन कंट्री टू अनदर फॉर एग्जाम्पल पीपल माइग्रेट बिटवीन इंडिया टू पाकिस्तान इन 1947 एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जैसे कि देखें एग्जाम्पल भी इन्होंने बुक के अंदर दिया हुआ अपने बुक ग्रेड 4 के बुक के अंदर सोशल स्टडी का ये बुक है कि माइग्रेशन अब कैसे किसे कहते हैं यानी मूवमेंट करना एक जगह से दूसरी जगह जाने को माइग्रेशन कहा जाता है या ख्वा अगर कोई गांव से शहर जाना हो शहर से गांव जाना हो या इसी के दरमियान किसी शहर के अंदर रहना हो या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो एग्जाम्पल क्या दिया 1947 के एग्जाम्पल दिया हुआ जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पार्टीशन यानी उनके अंदर क्या हो रहा था माइग्रेशन जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान
ट्रांसफ़र हो गए, उन्होंने हिजरत की, जो हिंदू थे वही रह गए। इसमें ऐसे भी हिंदुस्तानी थे, ऐसे हिंदू थे जो पाकिस्तान में, सिख भी हैं जो के भी माइग्रेटेड हैं, वहीं के हैं, इंडिया के हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं, अपना सीएनएसी रखते हैं, पाकिस्तानी शरीयत रखते हैं, तो वो माइग्रेटेड है। हम जितने भी हैं स्टूडेंट्स, हम माइग्रेटेड हैं। इंडिया से कोई पाकिस्तान आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से इंडिया गए। कब? 1947 में, यानी 1947 में जब तकसीम पाकिस्तान बना और तकसीम होता रहा, तो उस वक्त जो है ये माइग्रेशन हुई थी। ठीक है, एग्जांपल बहुत आपके लिए ये करामत होगा, ये आप लोग अपने नॉलेज में रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बताते हैं सेंसस के बारे में। सेंसस क्या होता है? ये होता है मर्दम शुमारी, ये हम कहते हैं मर्दम शुमारी को। अब मर्दम शुमारी क्या है? अ सेंसस इज़ एन ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन अ सेंसस इज़ एन ऑफिशियल काउंट ऑफ द पॉपुलेशन इन एन एरिया, टाउन, सिटी, प्रोविंस और कंट्री। इट रिकॉर्ड्स वेरियस फैक्ट्स सच एज एज, सेक्स, रिलीजन्स, लैंग्वेज लेवल, एजुकेशन एंड द जॉब्स ऑफ द पीपल। रीडिंग के स्टार्ट में ही स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि सेंसस किसे कहते हैं। सेंसस के बारे में कंप्लीट बताया मैंने अभी। सो आप अगर अब खुद भी देखें कि सेंसस क्या होता है, दैट के सेंसस ऑफिशियल काउंट, वो शुमार करना किसी शहर, गांव या मुल्क के अंदर लोगों को शुमार करना, उनके एज के बारे में पूछना, उसके एज मालूम करना, सेक्स मालूम करना, मेल फीमेल, मजहब रिलीजन मुसलमान, इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, ज़ुबानों का तयन करना कि ज़ुबान कौन सी, उर्दू, पश्तो, हिंको, सिंधी, बलोची, इंग्लिश, पंजाबी वगैरह, लेवल ऑफ एजुकेशन मिडिल है, आप हायर सेकेंडरी में हैं, छोटा बच्चा है, नर्सरी प्रेप में है, और उनके जॉब्स के बारे में कि उनके पेरेंट्स क्या जॉब करते हैं, बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता, कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन जब एक गवर्नमेंट के अंदर मर्दम शुमारी में क्या करते हैं, ये मालूम करते हैं, तो उसको हम सेंसस कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्दम शुमारी। इन पाकिस्तान द गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू कैरी आउट सेंसस एवरी 10 ईयर्स। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत क्या करती है, ये तमाम जो सेंसस है, ये यानी कि मर्दमशुमारी है, हर 10 साल बाद होती है। इस पर स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बताऊं कि मर्दमशुमारी 10 साल के बाद होती है, लेकिन अभी हो सकते हैं जल्दी भी हो। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए काम करी कि हम मर्दमशुमारी जो है वो आप 10 साल में नहीं, हो सकते 5 साल में करें, हर 5 साल करें फॉर दिस पर्पज। अब इसके लिए द गवर्नमेंट फॉर्म स्पेशल टीम्स ऑफ पीपल who go to farm house to house in each part of country to collect the information। अभी जैसे हाल ही में पिछली मर्दमशुमारी हुई थी स्टूडेंट्स, आप तो देख याद होगा, नहीं होगा आपके पेरेंट्स को याद होगा, अभी हुई है कोई 2 साल या 3 साल पहले, अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या होता था, उस टीम के साथ जो गवर्नमेंट के जो टीचर्स थे, गवर्नमेंट के जो जॉब्स करने वाले थे, वो हाउस टू हाउस आते थे, उनके साथ जो है पाक आर्मी के लोग थे, पाकिस्तान आर्मी के, और वो घर घर से ही मालूमात इकट्ठा कर रहे थे कि बच्चे कितने हैं, आप क्या काम करते हैं, वाइफ आपकी जो है हाउस होल्ड है या कोई जॉब करती है, बच्चों की एजेस कितनी हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, कौन सी क्लास में पढ़ते, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों से लेते थे। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होता है, उसको मालूमात इसके अंदर क्या होती है, और गवर्नमेंट इससे क्या काम ली थी, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सेंसस के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, गवर्नमेंट को उसकी क्यों नीड होती है, क्यों ज़रूरत होती है, कितने वक्त बाद क्यों ज़रूरत होती है, तो कंप्लीट आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊँगा। तो हमारा था लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम द यूनिट नंबर 1 और लेसन 2 पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से इसको रीड करके, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इसको रीड करके, जो भी कोई डिफिकल्टी हो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।